नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सस्ता सीमेंट कहाँ से खरीदें। फ्रेंड्स, ये जानने से पहले कि सस्ता सीमेंट कहाँ मिलता है, हमें ये जानना होगा कि मार्केट में हमें कितने प्रकार से सीमेंट मिलते हैं, ताकि हम ये जान सकें कि जो सीमेंट हमें मिल रहा है वो इतना सस्ता कैसे है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, भारत में दो प्रकार के सीमेंट पाए जाते हैं, जिसमें से पहला है ट्रेडिंग सीमेंट और दूसरा है नॉन ट्रेडिंग सीमेंट। तो चलते हैं अब हमारे पहले सीमेंट पर, जो कि है ट्रेडिंग सीमेंट। फ्रेंड्स, ये वही सीमेंट है जो हम रेगुलर लाइफ में यूज़ करते रहते हैं, जो हमें जनरली देखने को मिलता है। इसका प्रोसेस ये होता है कि यह सीमेंट मैन्युफैक्चरर से जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, और भाड़ा भी लगता है। फिर डिस्ट्रीब्यूटर से जाता है रिटेलर के पास, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर का प्रॉफिट और भाड़ा भी है। और फिर रिटेलर से जाता है वो कस्टमर के पास, उसमें भी प्रॉफिट और भाड़ा शामिल होता है। फ्रेंड्स, ये सारा का सारा भार कस्टमर पे पड़ता है, मतलब सारा का सारा भार आपकी और हमारी जेब पे पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया एक लंबा चौड़ा प्रोसेस कि किस प्रकार से ट्रेड सीमेंट मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर और रिटेलर से कस्टमर के पास जाता है। इनमें इन सभी का मार्जिन होता है, और साथ में इन सबका माल भाड़ा होता है, और उसका भार हमारे जेब पे पड़ता है। ये तो चलो हमने देख लिया। अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम आते हैं नॉन ट्रेड सीमेंट पर। फ्रेंड्स, नॉन ट्रेड सीमेंट सीधा मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा कस्टमर के पास पहुंचाया जाता है। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर का तो सिर्फ इतना सा रोल होता है कि वो आपकी बात मैन्युफैक्चरर के पास पहुंचाए, इससे ज़्यादा उसका रोल नहीं होता। फ्रेंड्स, इसे ठेकेदार कोटे का सीमेंट भी कहते हैं। गवर्नमेंट देश के विकास के लिए कोटा डिसाइड करती है, जिसमें वो कई सारे टैक्सेस में रियायत देती है ताकि विकास की गति और तेज हो। इसे पाने के लिए ठेकेदार या सिविल इंजीनियर होना बहुत ज़रूरी है, यह साधारण व्यक्ति को नहीं मिलता है। इसे पाने के लिए सबसे पहले हमें डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू बात करनी पड़ती है। कई बार कंपनी के लोग भी आकर चेक करते हैं कि कितना सीमेंट लगेगा, आप जितनी क्वांटिटी मांग रहे हो उतना लगेगा भी कि नहीं, कहीं आप इसकी कालाबाजारी करने के लिए सीमेंट ऑर्डर तो नहीं कर रहे हो। इस जांच के बाद, उनके अप्रूवल के बाद ही हमें अपना ऑर्डर मिलता है। हर ब्रांड की मिनिमम क्वांटिटी अपनी अलग अलग होती है। मैं आपको एक वर्बली बता रहा हूँ कि 500 से 1500 कट्टे के बीच में ये मिनिमम क्वांटिटी होती है। मतलब आप यूँ समझ सकते हैं कि यदि आप एटलीस्ट 500 कट्टे का भी मंगाएंगे तो पूरा का पूरा ट्रक भर के आएगा, उससे कम का नॉन ट्रेड सीमेंट में कोई ऑप्शन नहीं है। कई बार इस प्रकार की टाइम लिमिट भी होती है, जैसे आपने 1500 कट्टे का बुक कराया तो वो ये बताएंगे कि 3 महीने के दरमियान आपको 500 500 कट्टे की 3 खेप लेनी पड़ेगी, या 6 महीने के दरमियान आपको 500 500 कट्टे की 3 खेप खपानी पड़ेगी। इस प्रकार भी कई बार टाइम लिमिट होती है, और कई बार टाइम लिमिट नहीं भी होती है, तो वो आपको डिस्ट्रीब्यूटर पूरी जानकारी दे देगा इस बारे में कि क्या टाइम लिमिट है और कितने मिनिमम कट्टे आपको मंगवाने पड़ेंगे। अगर हम नॉन ट्रेड सीमेंट की बात करें तो ट्रेड सीमेंट के मुकाबले ये आपको 40 से 90 रुपए तक सस्ता पड़ेगा, अगर आप सी क्लास कॉन्ट्रैक्टर हो तो भी। और जो ट्रिपल ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर होंगे या NHAI के कॉन्ट्रैक्टर होंगे, उनके लिए मंत्रालय सीमेंट का कोटा बुक करता है, उन्हें सीमेंट बहुत सस्ते दाम पे मिलता है। फ्रेंड्स, ट्रिपल ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर की बात कभी और करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ठेकेदारों को इतना सस्ता सीमेंट मिलता क्यों है, तो इसका सीधा लिंक देश की GDP से है, क्योंकि सीमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे मुख्य एलिमेंट है। सीमेंट के बिना आप एक टॉयलेट भी नहीं बना सकते हैं, और गवर्नमेंट को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि सीमेंट के प्राइस बड़े प्रोजेक्ट पर असर डालेंगे, इसलिए वह भिन्न भिन्न प्रकार की कैटेगरी के लिए अलग अलग तरह की रेट डिसाइड करती है। मैंने ट्रिपल ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि सबसे सस्ती रेट में उन्हीं लोगों को मिलता है, ताकि बड़े प्रोजेक्ट जैसे हाईवेज, इनमें सीमेंट की कॉस्ट मैटर ना करें। सीमेंट की कॉस्ट कम कर देने के कारण कॉन्ट्रैक्टर बेफिक्र होकर सीमेंट खर्च करता है, इससे हमें हाई क्वालिटी के हाईवेज और प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को भी हम ये मान लेकर ट्रेड सीमेंट दिया जाए, तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, आप ये तो अभी तक जान गए ही होंगे कि गवर्नमेंट कोटा क्यों रखती है, क्योंकि सीधी सी बात है, गवर्नमेंट को ज़्यादा प्रोजेक्ट्स खींचने हैं और प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी कम रखनी है।
गवर्नमेंट ये चाहती है कि देश में विकास के प्रोजेक्ट चलते रहें, तो गवर्नमेंट को ठेकेदार कोटा इसलिए रखना जरूरी है क्योंकि यदि ये ना होगा तो हमारे देश की जीडीपी की रफ्तार बहुत स्लो पड़ जाएगी और जो पब्लिक के लिए जो प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं उनकी कॉस्ट लगभग ऑलमोस्ट दुगनी हो जाएगी। मैं आपको अभी गवर्नमेंट की बात बताता हूँ। जैसे यदि मान लो अभी कोई सीमेंट का बैग मार्केट में 350 रुपये का पड़ रहा है, तो वही सीमेंट का बैग ट्रिपल ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर को 120 से 130 रुपये की रेट में पड़ जाता है। यह मैं एनएचआई के कॉन्ट्रैक्टर की बात बता रहा हूँ फ्रेंड्स। एक्सक्लूडेड टैक्स, मतलब टैक्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। तो अब आप देख लीजिए कि कितना फर्क है। दोस्तों हमने ये तो जान लिया है कि ठेकेदार कोटे का सीमेंट हमें बहुत सस्ता मिलता है और क्वालिटी भी वो की वही रहती है। तो अब बात यह आती है कि कंपनियां सस्ता सीमेंट देने के लिए मान क्यों जाती है। तो दोस्तों इसका मुख्य कारण है केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली धमकियां। दोस्तों इसका मुख्य कारण है केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली धमकी। दोस्तों कंपनीज केंद्र सरकार को सस्ते रेट पर सीमेंट उपलब्ध कराने के लिए मजबूर है, और केंद्र सरकार को ही नहीं हम जैसे सिविल इंजीनियर और ठेकेदारों को वह नॉन ट्रेड सीमेंट उपलब्ध कराने के लिए मजबूर है। चाहे सरकार कोई भी हो, बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, सरकार सीमेंट कंपनियों पर हमेशा दबाव बनाए रखती है कि वह ठेकेदारों को और एनएचआई को सस्ते रेट पर सीमेंट उपलब्ध कराए। कई बार कंपनीज ने कार्टेल बना के नॉन ट्रेड सीमेंट के प्राइजेस को मैनिपुलेट करने का प्रयास किया, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया सरकार की तरफ से बार बार ये धमकी दी जाती है कि यदि आप लोगों ने रेट्स बढ़ाए तो हम सरकारी कंपनियां खोल देंगे और इनका मार्केट खराब कर देंगे। इस बात के प्रूफ के लिए मैं आपके सामने एक वीडियो चला रहा हूं, आप वो वीडियो देखिए तब आपको समझ में आ जाएगा कि सरकार किस प्रकार से कंपनियों को धमका के रखती है। इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सीमेंट कंपनियों को सीमेंट के दाम बढ़ाने को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। गडकरी ने कहा, सीमेंट की कीमत ज्यादा बढ़ाओगे तो तुम्हें जेल भेज दूंगा। उन्होंने कहा कि कंपनियों ने मनमानी की तो बैंड बाजा बजाकर उनका बाजार खराब कर दूंगा। सीमेंट वाले अभी 100 रुपए बोली बढ़ाए, मैं जा रहा हूँ दिल्ली, मैं इनका ऐसा बैंड बाजा बजाऊंगा, इनको टीवी वाले मेरा नोट कर ले, इनको जेल में भेजने का काम करूंगा, क्योंकि मेरे पास 285 लाख टन सीमेंट बुक है, पर कार्टेल करके 100 रुपये का भावड़ा। इस प्रकार की नीति अपनाने वाले लोगों को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ऑलरेडी इनको 1600 रुपये का दंड हुआ है, पर उनकी आदत नहीं जाती। और इसलिए मैं 10 फैक्ट्री है जो बंद पड़ी है भारत सरकार की, उसकी फाइल मेरे पास है, और मेरी इच्छा ही है कि 10 फैक्ट्री चलाने के लिए और 100 रुपये बैग सीमेंट बेच के पूरा बाजार खराब करके इनका बैंड बाजा बजा दो। इतनी बिल्कुल मेरी मन की इच्छा है। अगर ये कार्टेल करेंगे, कार्टेल करके ब्लैक मार्केट करने वाली बात अगर कोई भी, तो हमारी सरकार ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के उनका ऐसा बैंड बाजा बजाएगी कि वो काम करना उनका बंद हो जाएगा। इसी नोकझोंक के कारण जो हमारा रोड सेक्टर है वो डामर पे डिपेंडेंट है। केंद्र सरकार जो एनएचआई है उसके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन सबको डामर से सीमेंट कंक्रीट पर शिफ्ट करना चाहती थी, क्योंकि फ्रेंड्स सीमेंट कंक्रीट की लाइफ लगभग डामर से 10 से 15 गुना होती है और कॉस्ट सिर्फ 10 से 15% बढ़ती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कॉस्ट 10 से 15% ही क्यों बढ़ती है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि केंद्र सरकार को बहुत सस्ते रेट पर सीमेंट उपलब्ध होता है, इस वजह से कॉस्ट में 10 से 15% का ही फर्क आता है। लेकिन यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे डामर सप्लायर्स की लॉबी बड़ी स्ट्रांग है और सीमेंट की कंपनीज और सरकार के बीच हमेशा रेट को लेकर टसल चली रहती है। सीमेंट कंपनीज हमेशा यह प्रयास करती रहती हैं कि वो महंगे रेट पर सीमेंट बेचें ताकि उनका मुनाफा बढ़ सके, और सरकार ये चाहती है कि उन्हें सबसे सस्ते रेट पर सीमेंट मिले लेकिन क्वालिटी भी खराब ना हो। दोस्तों माफी चाहूंगा कि आउट ऑफ टॉपिक चले गए हैं, इन टॉपिक्स पर एक अलग से डिटेल्ड वीडियो आएगी क्योंकि अभी मैं ज़्यादा पॉलिटिकल जाना नहीं चाहता। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि नॉन ट्रेड सीमेंट के बैग पर आपको नॉन फॉर सेल सीमेंट लिखा हुआ आएगा। अगर इसके बावजूद भी आप यदि ये सोचते हो कि मैं सीमेंट मंगा रहा हूं और इसे सस्ते दाम पे कहीं किसी आस पड़ोस में या किसी को बेच दूंगा, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, सावधान कर देना चाहता हूँ कि यह एक प्रकार का इलीगल काम है कि आप नॉन ट्रेड सीमेंट का ट्रेड करें या आप नॉन ट्रेड सीमेंट किसी कॉन्ट्रैक्टर से खरीदें। कई लोग आपको ये तो बता देंगे कि नॉन ट्रेड सीमेंट हमें खरीदना चाहिए, लेकिन उसके बारे में नहीं बताएंगे कि हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। फ्रेंड्स अगर आपको नॉन ट्रेड सीमेंट खरीदना ही है
तो आप अपने ठेकेदार के थ्रू खरीदवाइए या अपने सिविल इंजीनियर के थ्रू खरीदवाइए। कई लोग आपको ऑफर करते हुए मिलेंगे कि हम आपको इतने रुपए सस्ता सीमेंट दे देंगे, आप हमसे खरीद लीजिए। फ्रेंड्स, ऐसा कभी मत कीजिए। कभी आप पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो बड़ा लंबा जाएंगे। थोड़े से 10-20-50 हज़ार रुपये के चक्कर में आपकी इंसल्ट तो होगी होगी, ऊपर से धारा 102 के तहत आपके सारे कट्टे जब्त कर लिए जाएंगे और ये एक प्रकार का पनिशेबल क्राइम भी है। हालांकि कई लोग इनको नहीं देखते हैं, कई लोग ये सब जानते हुए भी ये सब करते हैं, कालाबाजारी करते हैं कि नॉन ट्रेड सीमेंट खरीद लिया और उसे मार्केट में किसी और को बेच दिया। लेकिन फ्रेंड्स, हम लोग अच्छे लोग हैं, हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। क्योंकि फ्रेंड्स, आप उससे बचा भी कितने लोग हैं, 10-20-50 हज़ार रुपये, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कई बार NHAI के कॉन्ट्रैक्ट बहुत सस्ते रेट पे सीमेंट ऑफर करते हैं, लेकिन आपको वो नहीं खरीदना है, वो इलीगल है। हालांकि मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जो इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करते और ये सब इलीगल काम करते हैं, कालाबाजारी करते हैं, लेकिन आपको ये सब नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, अब हम एक सवाल पे आते हैं कि क्या हमें नॉन ट्रेड सीमेंट खरीदना चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सस्ता सीमेंट मिल रहा है तो हमें क्यों नहीं खरीदना चाहिए, यार आप ये सवाल पूछ ही क्यों रहे हो। तो मैं आपको ये बता दूं कि नॉन ट्रेड सीमेंट खरीदने से पहले आपको कुछ चीज़ें देखनी है, कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नॉन ट्रेड सीमेंट की एक मिनिमम क्वांटिटी होती है, वहीं ट्रेड सीमेंट की कोई मिनिमम क्वांटिटी नहीं होती है। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए 500 कट्टे आपको मिनिमम क्वांटिटी मंगवानी ही पड़ेगी, लेकिन आपका पूरा घर 400 कट्टों में बनके तैयार हो जाएगा, तो मतलब आपके 100 कट्टे एक प्रकार से एक्स्ट्रा जाएंगे। तो आपको इस प्रकार का पहले पूरा एस्टिमेट लगाना है कि हमारे पूरे घर में कितने कट्टे इस्तेमाल होंगे, फिर मैं आपको बता दूं। इसके साथ साथ आपको उनको रखने की जगह भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि फ्रेंड्स, पूरा का पूरा ट्रक या ट्रेलर एक साथ अनलोड होता है। और सीमेंट को मेरी सलाह माने तो आप ज़मीन पर ना रखें, हल्की सी ऊंचाई पर रखें। हालांकि सीमेंट को किस प्रकार रखना है इसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि सीमेंट को रखने की जगह आपके पास है भी कि नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स, उसके अलावा भी हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि सीमेंट की चोरी ना हो। कई बार आप जैसा कि देखते ही होंगे, आज की दुनिया में लोग 50 रुपये की चीज़ तो छोड़ते नहीं है, तो आपका इतना महंगा सीमेंट लोग क्यों छोड़ देंगे। 10 सीमेंट के कट्टे भी इधर से उधर कर दिए तो उन लोगों के तो मजे हो गए, लेकिन आपका तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया ना। इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि 500 कट्टे मान लो उतरवा तो लिए आपने, लेकिन उनकी चोरी ना हो, बारिश के मौसम में वो खराब ना हो, नहीं तो आपने जितना पैसा बचाया है उससे 3-4 गुना लग जाने वाला है फ्रेंड्स। और बारिश से ही याद आया कि ज़रूरी ना हो तो इतनी क्वांटिटी में बारिश के मौसम में ये सीमेंट ना लें। अगर बारिश के मौसम में आपको लग रहा है कि आप एक दिन में पूरा सीमेंट खपा देंगे, जैसे छत डल रही है, या 1.5 दिन में पूरा सीमेंट खपा देंगे, तो आप ज़रूर खरीदिए। फिर भी इसके गीले ना होने की सावधानियाँ रखिए, जो भी तिरपाल वगैरह ज़रूरत होती है। फिर अगला पॉइंट आता है पेमेंट की व्यवस्था। फ्रेंड्स, आप ट्रेड सीमेंट खरीदते हैं तो आप कई बार जानकारी में उनको 1 महीने बाद या 2 महीने बाद भी पेमेंट कर सकते हैं, अगर आपका दुकानदार जानकार है तो। लेकिन यदि आप नॉन ट्रेड सीमेंट खरीदते हैं तो आपको उन 500 कट्टों का एक साथ पेमेंट देना होगा। कई बार एक साथ पेमेंट जेब पे भारी पड़ जाता है, तो आप पहले अपनी पूरी व्यवस्था देख लीजिए कि आपकी एक साथ पेमेंट करने की कैपेसिटी है भी या नहीं। अगर आप एक साथ पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो आप ट्रेड सीमेंट ही लीजिए, वही ज़्यादा बेहतर होगा। हमारा अगला पॉइंट आता है कि इसे एक्सपायरी से पहले यूज़ करना। फ्रेंड्स, सीमेंट की 3 महीने की एक्सपायरी डेट होती है, तो आप ये देख लें आप जो हैवी अमाउंट में कट्टे मंगा रहे हैं वो 3 महीने के दरमियान खप पाएंगे या नहीं। कोशिश ये कीजिए कि आप उनको 1 से 1.5 महीने के दरमियान ही पूरा उपयोग कर लें, क्योंकि भले ही 3 महीने की एक्सपायरी हो, लेकिन 2 महीने बाद ही सीमेंट की स्ट्रेंथ पर फर्क पड़ने लग जाता है। और इस बात पर भी डिपेंड करता है कि वो किस एनवायरनमेंट में रखा गया है। इसलिए कोशिश यही कीजिए कि 1 से 1.5 महीने के दरमियान सारे सीमेंट के कट्टे, चाहे वो ट्रेड सीमेंट हो चाहे वो नॉन ट्रेड सीमेंट हो, उनको उपयोग कर लीजिए, इससे पहले कि इनकी एक्सपायरी डेट ख़त्म हो। हालांकि एक्सपायरी डेट के निकल जाने के बाद उस सीमेंट का क्या करना है, इस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। फ्रेंड्स, मान लीजिए अब आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आप नॉन ट्रेड सीमेंट खरीदना चाहते हैं, आपकी क्वांटिटी और रिक्वायरमेंट सब मैच हो रही है, तो अब हम आते हैं हमें ऐसी
किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए नॉन ट्रेड सीमेंट खरीदने से पहले। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात ध्यान रखनी है एक्सपायरी डेट ऑफ सीमेंट। आप कट्टों पे, रैंडम कट्टे पे उठा के देखिए कि क्या एक्सपायरी डेट लगी हुई है। आपको ट्रक तभी खाली करने देना है जब आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट अच्छे तरीके से देख लें, जो आपको मेक श्योर हो जाए कि इसे एक्सपायर होने में एटलीस्ट 3 मंथ तो बचे ही बचे हैं। कई बार लोग ये देख लेते हैं कि इसका ध्यान सिर्फ रेट पे है, तो एक प्रकार का ये अच्छा मुर्गा है और लोग एक्सपायरी डेट वाला सीमेंट आपको सप्लाई कर देते हैं और आप खुशी खुशी ले लेते हो कि यार मुझे तो सीमेंट इतना सस्ता पड़ा। अगर आपको साइट पे उतरते टाइम ये पता लग जाए कि ये एक्सपायरी डेट का सीमेंट है, तो भले ही सामने वाला रेट कम करने को तैयार हो, आपको वो सीमेंट नहीं लेना है फ्रेंड्स, वो सीमेंट वापस भेज देना है, आपकी भलाई इसी में है। दूसरा, कालाबाजारी करने वालों से दूर रहे, उनसे माल कतई ना खरीदे। मैं आपको पिछली स्लाइड्स में बता चुका हूं फ्रेंड्स, बहुत लंबे जाएंगे, आप कालाबाजारी करने वालों से तो माल कतई ना ले। ऐसी कई संस्थाएं आज माल बेचती है, कई दफा अखबारों में खबर छपती है कि नॉन ट्रेड सीमेंट की पकड़ दकड़ करी गई। फ्रेंड्स, हम एक व्यापारी है ना कि स्मगलर, इसलिए हमें कालाबाजारी करने वालों से दूर रहना है। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट यह है कि हमें किस टाइम पे नॉन ट्रेड सीमेंट मंगवाना है। तो मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि जब आप छत डालें या छत डलने वाली हो, तभी आप नॉन ट्रेड सीमेंट का इस्तेमाल करें, क्योंकि छत में बहुत सारे कट्टे एक साथ उपयोग होते हैं जबकि कॉलम बीम में नहीं होते। हाँ, यदि आपका कॉलम बीम का काम इतना बड़ा है, आपकी साइट इतनी बड़ी है, तो आप बेशक नॉन ट्रेड सीमेंट का ऑर्डर कीजिए। अगर आपकी साइट पर डेली 15 से 20 कट्टे की खपत है, तो भी आप नॉन ट्रेड सीमेंट मंगवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जहाँ सीमेंट रखे है वो जगह गीली नहीं हो। कई बार लोग तराई के दौरान ही सीमेंट के कट्टे गीले कर देते हैं, उसमें माल का बड़ा नुकसान हो जाता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले पॉइंट पर आते हैं। फ्रेंड्स, अब अगला पॉइंट, कोशिश ये करें कि आपको पीपीसी सीमेंट मिले। कई बार आपको ओपीसी सीमेंट की कोई ग्रेड टिकाई जाती है, जैसे 43 या 53, लेकिन फ्रेंड्स आपको ओपीसी सीमेंट पर नहीं जाना है, आपको पीपीसी सीमेंट पर ही जाना है। और ऐसा क्यों करना चाहिए, इसके लिए आप मेरी पीपीसी सीमेंट वाली वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो नॉन ट्रेड सीमेंट के बारे में। आपको ये वीडियो देख के पता चल गया होगा कि हम सस्ता सीमेंट कहाँ से खरीद सकते हैं। फ्रेंड्स, कई लोग आपको सिर्फ ये बताते हैं कि हम सस्ता सीमेंट कहाँ से खरीदें, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताएगा कि इसकी ट्रेडिंग इलीगल है या इसे कब खरीदना चाहिए कब नहीं खरीदना चाहिए। फ्रेंड्स, जाते जाते मैं आपको ये जरूर बता दूं कि नॉन ट्रेड सीमेंट सिर्फ तभी खरीदे कि जब आपकी रिक्वायरमेंट्स मीट हो रही हो, अन्यथा आप ट्रेड सीमेंट पर ही जाइए। ट्रेड सीमेंट में इस बात की हेडेक नहीं रहेगी कि हमें माल जल्दी जल्दी खपाना है या पेमेंट एक बारी में देना है, इस प्रकार की कोई हेडेक नहीं रहेगी। आप बेझिझक होकर काम कर सकते हो। ये मैं जो बता रहा हूँ, ये ठेकेदारों के लिए ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि उनको मार्जिन नहीं मिलता है, तो वह इस चीज़ में मार्जिन निकाल सकते हैं। जैसे किसी ने विथ मटेरियल ठेका लिया है, तो वह इसका भरपूर फायदा उठा सकता है। अगर वो 50,000 से 1,00,000 रुपये भी बचा पाता है, तो ये उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो मैं अपने ठेकेदार भाइयों के लिए तो ये कहूँगा कि उन्हें यही सीमेंट उपयोग करना चाहिए, नॉन ट्रेड सीमेंट हर ब्रांड में उपलब्ध होता है। आप बात करके रखिए, और कभी भी कॉन्ट्रैक्ट आए तो आप अच्छी क्वालिटी देके भी पैसा बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी का फायदा हो सकता है तो कृपया इसे शेयर कीजिए, चाहे व्हाट्सएप हो चाहे फेसबुक हो, हर जगह आप इसे शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।